आज मैंने बनाया पास्ता, वो भी मैक्रोनी वाले, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में लंच बॉक्स तैयार किया है मैंने, और वो मैं कुकर में बनाना बताती हूँ आपको मैंने कैसे बनाया है। मैंने पास्ता के लिए क्या क्या सामग्री लिया है, तो ये मैंने पास्ता लिया है 1 बड़ी कटोरी, और 2 बड़े प्याज, 1 हरी मिर्च और 2 छोटे टमाटर लिए हैं। अब मैंने कुकर में पास्ता और पानी डाल दिया है, पर पानी इतना डालना है कि हमारे पास्ता डूब जाए, तो इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया और नमक डाल दिया है। इससे क्या है, पानी ऊपर तक रखने से हमारे पास्ता चिपकेंगे नहीं और 1 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तो मैं आगे की तैयारी करती हूँ। तो मैंने ये 2 बड़ी चम्मच तेल के लिया है, इसमें जीरा राई तड़का दिया है और इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल के अब इसको भुनेंगे प्याज को, जिससे हमारे प्याज का कच्चापन हट जाए। इसको ज़्यादा नहीं भुनना है प्याज को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर भी करना। ये देखिए प्याज को भून रही हूँ मैं। और अब इसमें मैं जो टमाटर थे 2 छोटे वो वाले कटे हुए वो डाल दूंगी इसमें। ये मैंने टमाटर डाल दिया है और अब इसमें नमक भी डाल देंगे, इसको मिक्स कर दे टमाटर को। ये मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है इसमें। नमक डालने से क्या है, हमारे टमाटर थोड़े से जल्दी गल जाएंगे। अब इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और अब 1 मिनट के लिए भी भून लेंगे इसको मसालों को। और अब हमारा 1 सीटी आ चुकी है और कुकर भी ठंडा हो चुका है। अब आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं हमारे पास्ता। इसको मैंने ठंडे पानी में धोया है पहले चलने में निकाल के, और अब मैं इन मसालों के अंदर इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और ये पुदीना पाउडर है मेरे पास तो वो डाल दिया मैंने 1 चम्मच। आप ये दोनों चीज़ ज़रूर डालना, इससे हमारे पास्ता बहुत अच्छे और स्वादिष्ट बनते हैं। और ये मैं गैस को बंद कर चुकी हूँ क्योंकि हमारे पास्ता तैयार हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं सॉस डाल दूँगी। और ये हमारे पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।